आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तथा मिनी बहनों का आज के आंगनबाड़ी वीडियो में स्वागत है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को जो ज्ञापन सौंपा था बहनों मऊगंज और जिला रीवा में, तो उसके बारे में हम आपको एक बार फिर से यह बता देते हैं कि कौन कौन सी मांगों को लेकर मुद्दा उठा था और आपका जो दुर्घटना बीमा का जो मुद्दा मान लिया गया है, मांग आपकी मानी गई है, उसमें कितने रुपये बढ़ाए गए थे। तो सबसे पहले हम उस खबर की ओर चलेंगे बहनों पीछे, जहां पर हमने यह देखा था कि मऊगंज में आंगनबाड़ी बहनों ने धूप में कितनी मेहनत के साथ अपने प्रदर्शन को करते हुए ज्ञापन सौंपा था। तो यहां पर विसंगतियों को दूर करने के लिए जो आदेश था तुरंत जारी किए जाने की जो मांग थी वह भी आंगनबाड़ी बहनों ने की थी, और इसी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर मऊगंज को ज्ञापन सौंपा था। तो आंगनबाड़ी कर्मियों ने ज्ञापन सौंपते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती हुई भीषण महंगाई के चलते प्रदेश की विभिन्न श्रेणी की जो संविदा कर्मी तथा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में जो वेतन वृद्धि सरकार के द्वारा की गई है, उसके अनुपात में प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय वृद्धि दिखावे मात्र की है। बहनों जाहिर सी बात है, ये एकदम सही बात है जो यहाँ पे बहनों के द्वारा की गई है, और हमेशा ही जो आंगनबाड़ी बहनें और साथ में जो हमारी आंगनबाड़ी एकता यूनियन की जो मुख्य सचिव बहनें हैं, उन्होंने लगातार ही बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है, और मांग जो है और मांग को जिस प्रकार से पूरा कराने का तरीका रहता है वह बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे सीधे तरीके से उदाहरण देते हुए बहनों ने यह कहा था कि अन्य जितने सरकारी विभाग हैं या संविदा कर्मी हैं, उनकी श्रेणी में जो सरकार वेतन की वृद्धि करती है, उनका जो पैसा मानदेय बढ़ाती है, उसके अगर तुलना में देखा जाए, अनुपात में देखा जाए, तो आंगनबाड़ी बहनों का जो मानदेय वृद्धि वो तो नाम मात्र का है। आप एक जो सरकारी संविभाग है, सरकारी विभाग के कर्मचारियों का आप किसी का 5,000, किसी का 8,000, किसी का 10,000 मानदेय बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हम उनकी तुलना आंगनबाड़ी कर्मियों से, आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय से करें, तो आंगनबाड़ी विभाग में आप देखें तो किसी की 750 रुपये बढ़ाया जा रहा, किसी का 1500 रुपये बढ़ाया जा रहा बस। तो ऐसे तो यह जीरो के बराबर है मानदेय बढ़ाना कि आप मिनी आंगनबाड़ी बहनों तथा सहायिकाओं का 750 रुपये बढ़ा रही हैं, जो पिछला एरियर 2018 में 1500 कटा था, सरकार मात्र उसी को दे रही है, उससे ज़्यादा कोई भी मानदेय बहनों का नहीं बढ़ाया जा रहा। तो जहां पर सरकार के द्वारा मानदेय वृद्धि में सहायिकाओं तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बेहद सीमित वृद्धि के माध्यम से सरकार ने दोहरा भेदभाव किया जा रहा है, जाहिर सी बात है दो लोगों को अलग अलग प्रकार से देखा जा रहा है सरकार के द्वारा। 2018 की वृद्धि से जो काटी राशि थी उसी को वापस देने के अलावा मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जो चीज़ काट दी गई थी उसी चीज़ को दोबारा दे दिया गया है, मानदेय में अलग से वृद्धि नहीं की गई है। 2018 में जो 1500 रुपये सरकार ने काट लिया था आंगनबाड़ी बहनों का, सिर्फ उसी को दे दिया और बोल दिया सीधे कि मानदेय बढ़ गया है। तो सरकार का जो मांग थी एकता यूनियन और बहनों के द्वारा, उसको अगर हम देखें बहनों, तो सरकार न्यूनतम जो वेतन है आंगनबाड़ी बहनों का वह 26,000 रुपये करे और दूसरे विभागों की सुविधाएं दे, जैसे कि अन्य सरकारी विभागों में सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं, तो 26,000 मानदेय के अलावा उस तक बाकी विभागों की तरह भी सुविधाएं दें। वरना आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है, हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, यह भी आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा जो है कि अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अगर अपनी मांगे पूरी नहीं होती हैं धरना प्रदर्शन, तब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और इतना ही नहीं बहनों, जितने अगर आप अखबार के कटआउट देखेंगे या मांगों को देखेंगे, हर जगह पे आंगनबाड़ी कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम भेजा जो ज्ञापन है, उसमें सीधे सीधे अगर हम सिर्फ मांगों को हाईलाइट करें तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो न्यूनतम मानदेय है उस चीज़ को 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन घोषित करने की मांग उठाई गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26,000 रुपये
प्लस यहाँ पे देख सकते हैं कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग भी है बहनों, मतलब सरकारी कर्मचारी आप घोषित करिए, प्लस उसके अलावा 26,000 रुपये का न्यूनतम वेतन घोषित करने की मांग उठाई गई थी। हालांकि यहां पर हम उन लोगों का भी धन्यवाद देंगे, उनमें से कई बहनें हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ी हैं जहां पर हम वीडियो शेयर करते हैं, उनमें से जो यूनियन की जिला अध्यक्ष शशिकला पांडे जी, कार्यवाहक अध्यक्ष सुनीता मिश्रा जी, सचिव माननीय कमला तिवारी जी इत्यादि जितने लोग अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं आंगनबाड़ी के एकता यूनियन वाले, उन सभी के लिए यह बहुत ही मतलब गर्व की बात है और उनके बहनों को हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि उनकी वजह से जो है कि आंगनबाड़ी बहनों में इस तरीके का हर्ष और उल्लास रहता है प्रदर्शन और विरोध करने के लिए अपनी मांगों को पाने के लिए। तो जिले भर की कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहीं, साथ ही मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहीं। अब इसके अलावा जो मांग पूरी हुई थी उनमें से है कि इसी तरह के 5,00,000 रुपए का स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिए जाने की मांग सरकार घोषणा द्वारा की गई, लेकिन इस संबंध में आदेश जारी नहीं किया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है तथा सरकार से मांग है कि स्वयं मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जाना, यह प्रदर्शित करता है कि सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं और उनको लागू नहीं किया जा रहा है। इस दौरान कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के साथ ही 26,000 रुपये की जो न्यूनतम वेतन है उसको घोषित किया गया और उस चीज़ की भी मांग यहाँ पे उठाई गई थी। तो यहाँ पे विसंगति को दूर करने के लिए अन्य विभागों की भी जो सुविधाएं हैं वह भी सहायिकाओं के द्वारा मांगा गया, न्यूनतम वेतन भी बराबर करने की मांग की गई है संविदा वालों के बराबर, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी कार्यकर्ताओं के पूर्ण कार्यकर्ता के बराबर मानदेय की सुविधा मिलनी चाहिए और जो रिटायरमेंट की घोषणा है वह आयु 65 साल करने को कहा गया है क्योंकि 60 साल में ही रिटायर कर दिया जाता था। तो दुर्घटना बीमा जो है इसका तो योजना के आदेश तत्काल दिए जाने की मांग उठाई गई थी। तो यही वाला ज्ञापन था जिसमें कि 26,000 रुपये का मानदेय और न्यूनतम जो था कि घोषित करने की मांग हुई थी बहनों। तो इसके अलावा और भी कटआउट हैं जिनको हम आगे भी दिखाएंगे, तो इसके लिए वीडियो पसंद आए तब लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आपके जो भी सवाल हो तो आप कमेंट करके बहनों पूछ लीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो करी शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप आंगनबाड़ी ग्रुप में, जो लोग चैनल पर नए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहनों हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहनों नमस्कार।